यूपी पंचायत चुनाव की जंग, यूपी में पंचायत चुनाव की जंग जारी है। 53 पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बसपा के मैदान में हटने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो चला है। माना जा रहा है इससे सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था, लेकिन अध्यक्ष पद कि चुनाव में उसे फायदा होता दिख रहा है। यही कारण है 75 सीटों में बीजेपी ने पहले ही 21 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी के 21 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि एक सीट सपा ने निर्विरोध जीती है। चुनाव लेन देन से भी इनकार नहीं किया जा सकता, खरीद फरोख्त की बात भी सामने आई, लेकिन बड़ी बात बसपा के मैदान से हटने को लेकर है। हालांकि मायावती जिस तरह कह रही हैं कि उनका फोकस विधानसभा चुनाव है, लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या इन चुनावों का विधानसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता या पड़ता है, या मायावती किसी और एजेंडे पर काम कर रही हैं। आज इसी बात पर आज की बात। तो वोटिंग जारी है। 53 सीट पर अध्यक्ष आज चुने जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 अध्यक्ष पहले ही निर्विरोध बीजेपी ने जीत लिए हैं, और एक सपा के खाते में सीट गई है। दूसरी तरफ अगर इसी चुनाव को देखा जाए तो अभी जिस तरह से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश, स्वागत करूंगा भट्ट साहब आपका। हमारे साथ में है शंकरलाल तिवारी साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक, स्वागत करूंगा शंकरलाल जी आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ में है वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रज्जी जॉन जी। रज्जी जी आपका भी स्वागत। सीधे आरसी भट्ट साहब के पास में आता हूं। भट्ट साहब, चुनाव आज वोटिंग डाले जा रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन इन चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो बीजेपी को करारा झटका लगा था, लेकिन अब जब अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें फायदा होता दिख रहा है। क्या कुछ समीकरण बदला है बसपा के हटने के बाद? भट्ट साहब, जी भट्ट साहब आवाज पहुंच पा रही है हमारी? रुच कहो, फोन पे जोड़ा है। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर, 53 सीटों पर अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं, और पंचायत चुनाव की हम बात करें, इसके नफा नुकसान की अगर हम बात करें तो बीजेपी को जिस तरह से कहीं ना कहीं इसमें नुकसान हुआ था, लेकिन अब जब अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं तो अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। उसका कारण है कि बीजेपी ने 22 में से 21 सीटें निर्विरोध ही जीत ली हैं। दूसरी तरफ एक सीट सपा ने, समाजवादी पार्टी ने जीती है। हमारे साथ में दो मेहमान अभी हमारे साथ में, भट्ट साहब से जैसे ही हमारा संपर्क बेहतर होता है हम भट्ट साहब के पास सीधे आएंगे। शंकरलाल तिवारी साहब क्या कहेंगे, पंचायत चुनावों में नुकसान, लेकिन जब अध्यक्ष के लिए, पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे हैं तो आपको फायदा दिख रहा है, किस सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं आपके कैंडिडेट, तो क्या बसपा जिस तरह से हटी है इसका फायदा मिला है बीजेपी को? बिल्कुल रूप से आप समझिए कि उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनावों का ट्रेंड रहता है वो अन्य स्थानों से अलग रहता है, और उत्तर प्रदेश में मैंने पिछले दिन भी आपके चैनल में, न्यूज वर्ल्ड में ही मैंने ये बात कही थी कि पंचायत चुनाव के मामले में स्थानीय स्तर की बातें, स्थानीय स्तर के व्यक्तित्व और विशेषकर जातियों का जो समूह है, तो सरपंच का चुनाव, जनपद का, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो भी है जी, उसमें स्थानीय जातिगत समीकरण, और फिर एक बड़ी बात है जिसको मैं कहना चाहता हूँ, आधा सेकंड दीजिएगा मुझको। जी जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक
एक बात पिछले 5 वर्ष पहले हुई थी जी, कि जब पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, तो उस समय मायावती कई जगह जीती। हम लोग उत्तर प्रदेश में रिश्तेदारी परिवार है, तो वहां जब उनसे चर्चा की कि यार भैया आप तो मायावती जी के पुराने समर्थक रहे हो, बीएसपी के कार्डर हो, ऐसे लोगों ने भी जो है तो ये चुनाव में मायावती जी को जिताया भी था, पर लोकसभा के चुनाव में आपने नरेंद्र जी मोदी को क्यों जिताया, बीजेपी को क्यों जिताया? तो वहां का बीएसपी का जो मजबूत कार्यकर्ता था उसका जवाब भी ये था कि भैया लोकसभा में हम मायावती जी को जिता के क्या करते, वहां ये 10-5 सीट अगर पा करके पहुंच भी जाती तो सिर्फ बार्गेन करती और कहीं ना कहीं सौदेबाजी करती, और इसलिए दिल्ली के चुनाव में हमने मोदी जी का साथ दिया है। जब विधानसभा होगी तो उस समय हम अपनी पार्टी का ही साथ देंगे, और इस ढंग का ध्रुवीकरण लोकसभा में वहां हुआ था, वही स्थिति कमोबेश पंचायत चुनावों में भी रही। भट्ट साहब का बेहतर आवाज हमारी पहुंचने लगी होगी, उनकी भी आवाज बेहतर। चलिए भट्ट साहब स्वागत करूंगा। पहला सीधा सा सवाल, जिस तरह से इस चुनाव को देखें, पंचायत चुनाव में वैसे तो बीजेपी को करारा झटका लगा था, लेकिन जब अध्यक्ष की बात आती है तो इसमें फायदा होता दिख रहा है। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप बसपा के हटने के बाद ये फायदा है? इस समय बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसके नेतृत्व में खासतौर पर जो सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, बीजेपी की सक्षम सरकार है यहाँ। और फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव पंचायत के जब होते हैं तो विपक्ष का लगातार ये आरोप रहा कि सत्तारूढ़ दल कहीं ना कहीं दबाव डाल रहा है पंचायत सदस्यों को के ऊपर। अब धीरे धीरे जैसे पंचायत के चुनाव आगे बढ़ते चले गए, प्रत्याशी जीत कर आए, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे कायम होने लगे, जो भाजपा के साथ नहीं थे उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे, उनके घर की कुर्की, उनके तमाम जो है बिजनेस के बारे में आरसी जारी करना, ये तमाम चीजों की शिकायत लगातार आने लगी। उससे कई पंचायत सदस्यों ने इस बात का शेयर किया कि मेरे ऊपर बकाया निकाल दिया गया, यानी कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। और वो ये था ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में से ज्यादा जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां जीते, क्योंकि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, तमाम जनपदों में उनका खाता नहीं खुला। इसलिए एक मैसेज 2022 के चुनाव में न जाए उसको लेकर भाजपा के जो रणनीतिकार थे उनकी यही कोशिश थी कि पंचायत के चुनाव में एन केन प्रक्रेन किसी भी तरह से जिला पंचायत को जीता जाए, और वो कोशिश। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार आयोग को अप्रोच कर रही है, लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन कोई कहने का अर्थ है कि कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है। और 53 जनपदों के वर्तमान में पंचायत चुनाव हो रहे हैं आज, और उसके साथ साथ 22 में जो है वो निर्णायक स्थिति हो गई है, लगभग लगभग एक को छोड़ के भट्ट साहब एक गणित में यहाँ समझना चाहूंगा, बीएसपी के गणित को समझना चाहूंगा भट्ट साहब, कि बसपा मायावती ने जिस तरह से हटने का ऐलान किया इन चुनाव से, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनको तो 2022 के भी तैयारी करना है, इसलिए वो पंचायत चुनाव में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन हर चुनाव का इफेक्ट कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में पड़ता है, फिर बसपा क्यों अलग हुई? राजेश, सबसे पहले तो बसपा का उत्तर प्रदेश में जनाधार खिसक रहा है जी। और पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी इस समय हाशिए पर है उत्तर प्रदेश में। मायावती को यह अच्छी तरह मालूम था कि हम सीमित मात्रा में जिला पंचायत सदस्य लेकर हम चुनाव में नहीं लड़ सकते, यानी कि चुनाव फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सदस्यों का चुनाव है, ये धन और बल का चुनाव है, निश्चित रूप से इसको कोई जनता नहीं चुनती है, ये सदस्य चुनते हैं अपने अध्यक्ष को। तो ये कहीं ना कहीं मायावती को पता था कि वो इस रेस में नहीं आ पाएगी, और उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम अपना जो एनर्जी है, हम अपनी जो ताकत है, वो जिला पंचायत के चुनाव में नहीं लगाएंगे, हम विधानसभा के चुनाव में लगाएंगे। और पूरी तरह से बसपा के सदस्यों को उन्होंने फ्री कर दिया कि अगर
कोई भी बसपा समर्थित या बसपा का पार्टी कैडर का कोई सदस्य चुनाव जीता है तो वो उसके ऊपर, उसके विवेक के ऊपर छोड़ दिया है कि वो। चलिए भट्ट साहब, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ में रज्जी जॉन साहब है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। रज्जी जी, उत्तर प्रदेश को लेकर अगर देखें तो किस तरह से कांग्रेस इसको देखती है, क्योंकि अगर कांग्रेस को यूपी में देखा जाए तो कांग्रेस का वो जनाधार नहीं दिख रहा है, क्योंकि आगामी 6 महीने बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव है। आप पंचायत चुनाव में भी बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन चलिए इससे तमाम सारी चीजें जो यूपी में हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर, कांग्रेस क्या कहना चाहती है? देखिए, मेरे लिहाज से तो लोकतंत्र की पूर्ण तरीके से भाजपा की सरकार हत्या कर रही है जी। पंचायत चुनाव में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था उसमें भाजपा ने मुंह की खाई जी। साम दाम अर्थ दंड भेद सब लगाने के बावजूद समाजवादी पार्टी काफी भाजपा से आगे रही। मोदी जी ने योगी जी की कुर्सी तक खिसका दी थी, उसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने बसपा से समझौता किया और मायावती भी टीम बन के भाजपा की कार्य कर रही है। और जहां तक सवाल आप पहले कह दिया कि 21 जून इन्होंने कर लिया है, इन्होंने राम दामर से दंड भेद लगा के, इन्होंने प्रेशराइज करके, दादाजी करके समस्त टीवी चैनलों में स्पष्ट रूप से देखा गया, इन्होंने नामांकन तक दाखिल करने नहीं दिया दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को और जबरदस्ती इन्होंने 21 सीटों पर निर्विरोध घोषित कर दिया। जहां आज सदस्यों की संख्या इनकी ज्यादा है समाजवादी पार्टी की भाजपा से, तो आज वो अध्यक्ष पद का कैंडिडेट तक अपना नहीं लड़वा पा रहे हैं, तो उससे अपन को समझ में आ सकता है, पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की क्या हालत उत्तर प्रदेश में हो गई है। जहां तक सवाल बसपा का है तो बसपा का अस्तित्व वहां खत्म हो चुका है, कांग्रेस वहां पे पुनर्जीवित हो रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जनाधार कम हुआ था, लेकिन मेरा दावा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और वहां के सत्ता में और वहां के चुनाव में और आगामी विधानसभा में कांग्रेस की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं होगी और बसपा को और भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगेगा आगामी आने वाले विधानसभा। चलिए चलिए रजी जी, जो आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो वाकई अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से अगर हम यूपी में कांग्रेस की जमीन की बात करें तो पूरी तरीके से खिसक चुकी है, बेहतर परफॉर्म करेगी जिस तरह से आप कह रहे हैं, देखने वाली बात होगी। मैं सीधे आता हूँ शंकरलाल तिवारी साहब के पास में। शंकरलाल जी, क्या कहेंगे रजी जॉन जिस तरह से कह रहे हैं, फिर मैं आरसी भट्ट साहब के पास आऊंगा। भट्ट साहब ने बड़े साफ ढंग से जो बात कही है जी कि वहां पर बीएसपी हाशिए से है, पर कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अरे भैया आप लोग तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इमरजेंसी लगाने वाले लोग, उसमें सेंसरशिप लगाने वाले लोग, पार्लियामेंट को विधानसभाओं को 5 वर्ष का 6 वर्ष करने वाली इंदिरा गांधी की पार्टी के लोग, इन्हीं कर्मों से तो आप पूरे देश में सांघिक हुए कि आपने लोकतंत्र की हत्या की, आपने लोगों को जेलों में डाला, आपने संविधान में अपनी मनमर्जी से सिर्फ इंदिरा गांधी की और कांग्रेस पार्टी की सत्ता बचाने के लिए आपने काम किया। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पुनर्जीवित हो रही है, मैंने नहीं सुना कि कोई मुर्दा हो जाए और फिर उसके बाद वो पुनर्जीवित हो जाए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, और मैं कह रहा हूँ कि देश में भी कुछ राज्यों को थोड़ी बहुत छोड़ दीजिए तो कांग्रेस पूरी तरह अप्रासंगिक हो रही है, और यही स्थिति योगी जी के कामों के कारण, नरेंद्र मोदी जी के वो जन कल्याणकारी कार्यक्रम जिसमें गरीबों को गैस देना, गरीबों को मकान बनाना, अभी कोरोना के टाइम में जनधन खातों में पैसे डालना, गरीबों को फ्री खाद्यान्न देना, इस तरह के तमाम काम मैं गिनाऊंगा तो डिबेट का समय पूरा हो जाएगा, और इन तमाम कामों से जो जातिवाद के आधार पर उत्तर प्रदेश में 30-40 वर्ष से उत्तर प्रदेश में बर्बाद किया, सपा और बसपा दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को लूटा, सबसे समृद्धशाली प्रदेश उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा नीचे के पायदान में चलिए मैं आता हूँ शंकरलाल जी, दोबारा आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ में आरसी भट्ट साहब, बेहतर तरीके से भट्ट साहब यूपी को जानते हैं, लंबी पत्रकारिता उन्होंने
उत्तर प्रदेश में की है। भट्ट साहब, दो चीजें हैं जिस तरह से पहले हमने आपसे जिक्र किया था बसपा को लेकर, लेकिन पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए थे उसके बाद ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तमाम सारी चीजें हुई, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम सारी बैठकें हुई, और ये माना जाने लगा था कि योगी आदित्यनाथ पर तमाम सारे सवाल पंचायत चुनाव के जो परिणाम पर आए हैं, अब जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनी है क्या उसी बैठकों की रूपरेखा को माना जाए, और फिर जिस तरह से मायावती ने जो किया उसको क्या बीजेपी को सीधे तौर पर वो जानते होंगे इसका फायदा मिलेगा, क्या वो नहीं चाहते कि सपा भी इसमें ऐसा दिखे कि नहीं बेहतर परफॉर्म कर रही है और उसका असर विधानसभा चुनाव में दिखे। भट्ट साहब, मिलने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं, ये समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा हो रहा है जी। क्योंकि खासतौर पर जो बहुजन समाज पार्टी के पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज से जो पंचायत सदस्य चुनके आए हैं, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को यानी कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। इसके लिए एक रणनीति बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, उस पर नतीजों को देखकर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उसको निश्चित रूप से उसके माथे पर बल आया जी। क्योंकि परिणाम आशा के अनुरूप नहीं थे जी, पर इसमें काफी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ था जी। अब ऐसा मैसेज 2022 के लिए न जाए, इसीलिए देहात की सरकार है, गांव की सरकार है, उस पर कब्जा करने के लिए लगातार बीजेपी के खासतौर पर जो रणनीतिकार हैं उन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार किया और उसके तहत पंचायत चुनाव में लगातार कोशिश करके कि निर्विरोध सदस्यों को चुनवा लिया जाए, वो प्रक्रिया की गई है, इसमें उनको काफी हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन 23 जनपदों में कांटे की टक्कर हो रही है समाजवादी पार्टी से, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसमें बहुत सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। बट साहब, ये परिणाम जो है कितना इफेक्ट करेंगे विधानसभा चुनाव को, क्या लगता है आपको कि ये असर डाल पाएंगे जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव हुए पंचायत चुनाव उसमें बेहतर परफॉर्म किया है, तो विधानसभा में कहीं ना कहीं इसका फायदा क्या असर डालता है? राजीव, जो जिला पंचायत का जो स्ट्रक्चर होता है जी, इसको पहले समझना पड़ेगा जी। क्योंकि जिला पंचायत का जो क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, वह पूरी तरह से ग्रामीण अंचल पर होता है, यानी कि जो काम होते हैं, जो ब्लॉक होते हैं, पूरी तरह से उनके एक तरह से कंट्रोल में होता है, पूरी तरह से वो उसको देखते हैं। ग्रामों को जो विकास होता है, सड़क, पुल, पुलिया, खड़िया और इस पूरे विकास को जिला पंचायत देखते हैं, यानी कि सीधे तौर पर ग्राम प्रधानों से पंचायत का सदस्य जुड़ा रहता है जी। और फिर अध्यक्ष पंचायत सदस्य को अपने यहाँ से काम करने को देता है कि वहाँ की रोड का, नाली का, खड़के का विकास किया जाए, गांव का विकास किया जाए, तो निश्चित रूप से उस विधानसभा को फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी इस स्ट्रेटजी पे काम कर रही थी कि अगर जिला पंचायत में ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से ग्राम सरकार जो है, गाँव की जो सरकार है, उस पर कब्जा होगा। और निश्चित रूप से कहा जाए कि इसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से लगी है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में सीट निकल कर आ रहा है, निश्चित रूप से अगर पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा पड़ता है तो आगे विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जान रही थी, उनके रणनीतिकार जान रहे थे कि हमको जिला पंचायत के चुनाव में अगर सफलता नहीं मिली और खासतौर पर पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सफलता नहीं मिली तो निश्चित रूप से ये गलत संदेश जाएगा और 22 के चुनाव में कहीं ना कहीं। चलिए भट्ट साहब, काफी अहम बात कर रहे हैं और जो तमाम सारी चीजें चल रही है पंचायत चुनाव में, अंत में रजी जॉन साहब के पास में मैं आता हूँ। रजी जी, क्या कहेंगे शंकरलाल तिवारी साहब जिस तरह से कह रहा था, जिस तरह से कांग्रेस के दावे हैं, लगता है रजी जॉन साहब से हमारा संपर्क टूट गया। मेरा जो वक्त है प्रोग्राम का वो भी अब पूरा हो चला है, और जिस तरह से पंचायत चुनाव, भट्ट साहब जिस तरह से पूरा एनालिसिस कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर, निश्चित तौर पर 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और किसकी क्या स्ट्रेटजी है, किसकी क्या तैयारी है, बहुत कुछ निर्भर इन चुनाव पर भी करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकरलाल तिवारी साहब आपका, रजी जॉन साहब आपका, और वरिष्ठ पत्रकार
स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश आरसी भट्ट साहब, आपका तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर अध्यक्ष के लिए, पंचायत चुनाव अध्यक्ष के लिए यूपी में वोटिंग चल रही है, 53 सीट पर ये वोटिंग है और 22 सीट पहले ही तय हो चुकी हैं, यानी कि 22 में से 21 जो बीजेपी कैंडिडेट है वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं और एक सीट सपा के खाते में गई हुई है। देखना होगा जब इन सीटों के परिणाम आएंगे तो किसकी झोली में क्या गिरेगा, यानी कितनी सीट किसको मिलेगी। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।